बेइज्जती हो जाएगी, कल को लोग बोलेंगे दोनों साथ में थे तब भी अल्लाह नहीं आया। चलो एक बार शोर मचाओ दुनिया का सबसे बड़ा कोई यूट्यूबर हो तो वो इंडिया से हो, चाहे मैं हूँ, चाहे ये, चाहे ये, चाहे कोई भी, बस इंडिया से। गाइस टाइम पास हो रहा है बढ़िया, 2:27 और होने हो गए और 2:30 की बात हुई थी, देखते क्या होता है। कमाल के गेस्ट अमित अमित दिवराज आ गए हैं, आगे अमित भी आ रहे हैं। शुक्रिया अदा करते हैं और बहुत सारी बातें करेंगे।
बाकी देखो वहां पर मेरे को दिख रहा है टाइटेन मार रही। अरे भाई भाई ये प्यार है भाई। देखो जिसने जो कोई आर्ट बनाया ना भाई, थैंक यू वेरी मच यार, बहुत मजा लगती है इस चीज में। नेक्स्ट दिलराज भाई, क्या फील हो रहा है इतनी पब्लिक जो आपको प्यार करती है आंखों के सामने? हो रहा है कंफर्टेबल। तो ऐसा रहा,
तो एक बार सेम वापस से दिराज भाई, कैसे आया मिस्टर इंडियन हैकर प्लीज, ये नाम कैसे सोचा? चलो मैं अपनी बताया नहीं आपको, आप सुनो तो बताओ यार। कुर्सी खाली है, क्या वजह हो सकती है उसकी?
लोग सही जा रहे हैं, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा एक मिनट उससे पहले। एंड यू वॉन्ट, क्योंकि इतने रिस्की आप एक्सपेरिमेंट करते हो, पक्का है कभी कभार जान के ऊपर बात आई होगी। और रिसेंटली आपको कोबरा ने भी बहुत ज्यादा भाई बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो कोई एक ऐसा कोई किस्सा बताएगा आप दोनों प्लीज, जहाँ पे आपके जान के ऊपर आने की बस कुछ सेकंड से रह गया, वरना मैं आज यहाँ नहीं होता प्लीज। भाई ऐसा हमारे काम में तो होता है, और हम हर वीडियो में आपको मिलेगा। मैं खुद बोल के कहता रहता हूँ भाई प्लीज इस चीज को ट्राई मत करें, इस चीज को ट्राई नहीं करना, क्योंकि एक्चुअली में रिस्क होता है गाइस। एक बार क्या हुआ भाई, हम लोग एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, मैंने अपने हाथ में कुकर पकड़ रखा था, मतलब मैं कुकर का ढक्कन बंद कर रहा था, कुकर उसमें चावल पकाते, तो उसमें हम लोग एक गैस बिल्ड कर रहे थे दो केमिकल्स को मिक्स करके। ओके, अब हमें लगा कि गैस बिल्ड होगी धीरे धीरे पाइप में से आएगी, होना यही था, हुआ यही। लेकिन जैसे कुकर बंद किया गैस की जो प्रोडक्शन रेट थी बहुत हाई हो गई। ओके, और इतना तेज गैस बनी भाई, उसके अंदर इनफ्लेमेबल गैस थी, नाम तो बताऊंगा ही नहीं मैं उस गैस का, गिरिराज भाई समझ गए होंगे तो आप भी समझ गए होंगे, लेकिन मैं फिर भी बच्चों को नहीं बताना चाहता हूँ। तो वो जो कुकर था मेरे हाथ में पकड़ रखा और मेरे हाथ में फट गया, इतना तेज आवाज आई और कुछ बूझ गया। जिस टेबल पे रखा हुआ था कुकर, वो टेबल नीचे से उसकी लकड़ी फट गई और कुकर का जो नीचे का हिस्सा नीचे घुस गया, ऊपर का हिस्सा गया हवा में उड़ते उड़ते। और भाई हम सब लोग बाल बाल बच गए, अगर वो जरा सा भी इधर उधर हो जाता या कुकर ब्लास्ट कर जाता, उसका ढक्कन नहीं फटता, अगर पूरा ब्लास्ट कर जाता तो पता नहीं मेरी आँख जाती या हमारे किसी टीम मेंबर का कोई और कोई चेहरे वगैरह पे कोई नहीं लग सकती। जो बहुत इसका प्यार है यार, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बस सेफ्टी फर्स्ट। एक चीज और है अभी, वो एक्सपेरिमेंट करते टाइम नहीं हुआ था, उस टाइम भी थोड़ा सा तो क्या बहुत ज़्यादा लगा था भाई, मुझे स्नेक बाइट हो गया था, मुझे कोबरा ने बाइट कर लिया था, तो एक वो दिन था मेरी जिंदगी का। लेकिन आप सब लोगों की दुआएं भी उसमें कहीं ना कहीं एक अहम किरदार रखती हैं कि भाई इतना कुछ होने के बाद भी, इतना खतरा आने के बाद भी सब कुछ टाइम से हो गया और आपके सामने भाई बैठा हूँ। ये आप सबके प्यार और आप सबके दुआएं भी ऐसा रहा है। थैंक यू वेरी मच दिलराज भाई, सेम आपके साथ जरूर हुआ होगा, इतने वीडियोस बनाते हो। अरे मेरे साथ मैं बताऊँ, एक बार मैंने चुन मची है ना, लोग जो है पेट्रोल से गाड़ी चलाते हैं, एलपीजी से चलाते हैं, मैंने कहा यार हाइड्रोजन से चलाते हैं उससे पोल्यूशन नहीं होता है। नाइट्रोजन से भाई, हाइड्रोजन, हाँ तो अब हाइड्रोजन से चलाना है, बड़ी कंपनी तो है नहीं, कोई बहुत बड़ा सेटअप तो है नहीं, मैं सोचा चलो करते हैं। तो फिर मुझे नहीं पता था कि हाइड्रोजन जो है करने से पहले इतनी ज़्यादा एक्सप्लोजिव होती है, मतलब उसमें काफ़ी ज़्यादा पावर होती है, उसमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होती है। तो हमने करने की सोची और बाइक के साथ में उसको ट्राई, कैसे किया वो नहीं बताऊंगा, तो ट्राई करने की कोशिश की भैया, उसके सारे अस्थि पंजर वहीं उखड़ गए, जैसे स्पार्क हुआ, जैसे इग्निशन हुआ, चिंगारी लगी, बैंग वो फट गई। उसके बाद में हमने हाइड्रोजन का कैंसिल किया और हमने कहा इस बार लकड़ी से गाड़ी चलाएंगे, और हमने चलाई है लकड़ी से गैस बनाई, उस गैस से गाड़ी चलाई है, वीडियो बनाया। लेकिन क्या ट्राई मत करना इसको, हाँ डू नॉट ट्राई प्लीज भाई, प्लीज हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है सर। देखो मैं आपको बताता हूँ एक वीडियो कैसे बनती है, आपको एक आइडिया आता है, आप सोचते हैं कि उस पर काम होगा, नहीं, आज मेरे दिमाग में कोई आइडिया आया है, उसके लिए सबसे पहले तो हमें उसके ऊपर रिसर्च करनी होगी कि क्या ये रियल में काम करेंगे या फिर नहीं करेंगे। काफ़ी बार फेल हो जाते हैं, वीडियोज अपलोड नहीं होते, नहीं होते ना भाई, और वो रह जाती है तो आप लोग नहीं देख पाते, बहुत सारे प्रोजेक्ट वो फेल हो जाते हैं। लेकिन बस मेरा मन में ये रहता है हर बार कुछ नया हो, हर बार कुछ ऐसा हो कि लोग बोले यार कुछ तो किया है बंदे ने, यार नया हो गया, बस यही ट्राई रहता है। एक बार शो बोले दोनों के लिए प्लीज यार, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, लोगों को एंटरटेन करने के चक्कर में इतना रिस्क डाल रहे हैं। अब बारी है ये तीसरी जो चेयर है जिसका आप लोग भी वेट कर रहे हो कब से। सो लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज वेलकम ऑन स्टेज अनुराग AKA UK07 AKA बाबू भैया, अरे AKA UK37 UK07 AKA बाबू भैया प्लीज। भाई भाई का तो अभी भी फोन ही चल रहा है यहाँ पे, व्हाट्सएप जयपुर
फुल पावर आवाज आते नीचे ब्लॉक पे लिखा है। जॉब चली गई थी एंड
जो ट्यूशन में पढ़ाता था घर वालों ने ना बच्चों को ट्यूशन भेजना बंद कर दिया था, तो महीने का जहाँ 15-20 लाख रुपए आप कमा रहे होते हो एंड उसके बाद आपकी जेब में कुछ नहीं रहता रहा। तो मैंने अपने पापा को बोला कि भाई मैं जॉब छोड़ रहा हूँ करके। प्लीज मेक सम नॉइस फॉर अनुराग, क्योंकि इन्होंने इतनी अच्छी बात बोली कि एक बार आपकी फैमिली आपके साथ होती है, आपके पेरेंट्स जो है आपको सपोर्ट करते हैं, यूट्यूब से भी पैसे कमाए जाते हैं, क्योंकि डाटा जरूर होगा कि भाई IIT रुड़की से पास आउट हो, जॉब कर लो, पैसे कमा लो, 18 लाख का पैकेज लगाया, बट नहीं मैं यूट्यूब करूँगा। घर वालों को कैसे कन्विंस किया आपने? भाई घर वालों का रिस्पॉन्स मैं आपको बताऊँ कि यूट्यूब एक नई चीज़ है यार, तो उसको हमारे पेरेंट्स एक्सेप्ट इतना जल्दी नहीं करते, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है जो वो चीज ऐसी नहीं है भाई। देखो मतलब कि मास्क जो है ना वो लोगों ने तो कोरोना का नहीं पहना था, इससे पहले आप इधर पर मिल जाए।